हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ मम्मा अर्थ का मिल्की सॉफ्ट बॉडी वॉश। इसके अलावा मैंने बॉडी वॉश के अलावा मिल्की सॉफ्ट का शैम्पू एंड जो लोशन है वो भी यूज़ किया है। और मम्मा अर्थ की सबसे अच्छी बात ये होती है कि आपको 0+ मंथ के बेबी के लिए आप इनके प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हो, क्योंकि सारे ही प्रोडक्ट जो है नेचुरल होते हैं, इनमें कोई भी हार्मफुल केमिकल नहीं होता है। और मम्मा अर्थ के सारे प्रोडक्ट आपको अमेज़ोन पे, फर्स्ट क्राई पे एंड मम्मा अर्थ की वेबसाइट पर मिल जाते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि टीयर फ्री फॉर्मूले के साथ बना होता है। इसका मेन इंग्रेडिएंट्स है ओट्स मिल्क एंड कैंडुला। तो ये सारे ही प्रोडक्ट्स जो है बच्चों की स्किन के लिए बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, उनकी स्किन को क्लीन करते हैं एंड सॉफ्ट बनाते हैं। साथ में डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है और पीएच बैलेंस बना रहता है, मेड सेफ है यानी केमिकल फ्री है। और ये बिल्कुल स्किन को जो है स्मूथ बनाते हैं। और इसके अलावा अगर आप मेरा कूपन यूज़ करते हैं जो कि स्क्रीन के ऊपर है, तो आपको इस पिक के ऊपर जो है 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके साथ ही ममा अर्थ ने अपनी वेबसाइट लॉन्च की है, तो जिसका जो जिस ऐप को आप डाउनलोड करके और जो अर्ली एक्सेस है और जो एक्स्ट्रा डिस्काउंट है वो आप पा सकते हैं। तो मुझे इसकी सबसे अच्छी बात लगती है। एंड यस, बेस्ट पार्ट इज़ इंडियन प्रोडक्ट है, अपना मेड इन इंडिया है। तो इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहाँ से जाकर के आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। एंड मैं बोलूँगी आप मिल्की ममा अर्थ के जो मिल्की सॉफ्ट की रेंज है यानी शैम्पू, बॉडी वॉश एंड लोशन, तीनों को ही जरूर ट्राई आउट कीजिएगा। बहुत ही अच्छा, बिल्कुल अगर आप देखेंगे ना तो इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल वही मिल्की सॉफ्ट है, बिल्कुल सॉफ्ट क्रीम के जैसी है, बहुत ही अच्छा है। एंड टीयर फ्री फॉर्मूला है, 0+ मंथ के बच्चों के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो, तो इसको ट्राई आउट ज़रूर कीजिएगा। तो इसका लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगी, वहाँ से आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस प्यारी सी कैटी को नींद आई हुई है, बट पता नहीं इसको कौन सा काम है कि जो ये अपनी नींद नहीं ले रही है, लटके ले रही है और फिर अपना इधर उधर देख रही है। तो इसका कोई काम शायद अटका हुआ है जिसकी वजह से इसको प्रॉपर नींद नहीं आ रही है। तो फ्रेंड्स, हम गए हैं, कहाँ गए हैं हम कहीं जा रहे हैं। और हम यानी मेरे हम लोग हैं, हमारे ऊपर वाले हैं मेरा भाई एंड मतलब मेरे दोनों भाई हैं, मामा का लड़का अमित और मनीष। हम चार फैमिली जा रहे हैं कहीं घूमने के लिए और मैं घुमाऊंगी आपको उस जगह पर और उसकी कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो कि बहुत कम लोग वहाँ पे उन चीज़ों को देखने के लिए जाते हैं। तो ये था हमारा फर्स्ट स्टॉपेज। बहुत लेट हम लोग निकले थे, अराउंड 3 o'clock घर से निकले थे, तो ऑलरेडी हम लेट निकले हैं। तो फर्स्ट स्टॉपेज हमारा बन गया है यहाँ पर। तो हम लोग, हम और हमारे ऊपर वाले हैं, हम लोग एक जो है एक गाड़ी में है और दूसरे दो फैमिली वो दूसरी गाड़ी में है। तो हमने फर्स्ट स्टॉपेज पे खाए थे पराठे, जो कि एक बहुत ही सिंपल सा छोटा सा एक ढाबा था। एंड ये ढाबा था गरम धर्म और जो सुखदेव है ना उसके बिल्कुल बराबर में था। मुझे नाम याद नहीं आ रहा इसका, बट बहुत ही छोटा सा ढाबा था, लेकिन हाँ बहुत ही टेस्टी एंड यम्मी था। क्योंकि उन पर इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि अगर वहाँ पर रुकते तो 2 से 3 घंटे कहीं नहीं गए थे और पता नहीं उसके बाद भी खाना मिलता है नहीं मिलता। तो हमने सोचा कि चलिए थोड़ा सा आगे जा करके हम जो है कुछ ट्राई कर लेते हैं। तो आगे जाने के बाद हम लोगों ने पराठे ऑर्डर किए और जो कि बहुत ही यम्मी एंड टेस्टी थे। तो चलिए फिर चलते हैं अपने सफ़र पर और निकलते हैं, क्योंकि ये सफ़र थोड़ा सा ऐसा था कि लेट निकले थे और पूरी रात जो है हमारी तो गाड़ी में ही निकल गई, पता नहीं कहाँ गई। तो चलो बता देती हूँ, हम लोग जा रहे हैं शिमला। एक्चुअली प्लान तो बना था हमारा मोरनी जाने का, लेकिन जैसे शिमला का साइन बोर्ड दिखाना तो मैंने बोला कि चलो शिमला चलते हैं और फिर सबका मूड बन गया। हम लोगों की पैकिंग जो थी वो भी मोरनी के हिसाब से ही थी, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर इतना डाउन नहीं है, तो हम लोग सिर्फ गर्मियों के कपड़े लेके गए थे। लेकिन शिमला में अच्छी खासी ठंड थी, तो वहाँ पे जाके फिर हमें शॉपिंग करनी पड़ी। तो ये होटल हमको सुबह 5 बजे मिला था और हमने एक दो बार ट्राई किया गाड़ी में सोने का, बट सो नहीं पाए। तो फिर हमें कसौली और शिमला के बीच में ये एक होटल था जहाँ पे 2 रूम अवेलेबल थे, तो बाई चांस हमें ये मिल गया, क्योंकि बहुत सारे होटल हमने देखे बट होटल पूरे बुक्ड थे। और हम गए थे 2 अक्टूबर को, तो 2 अक्टूबर को एक तो छुट्टी थी एंड
आई थिंक सैटरडे संडे भी कुछ ऐसे था, हाँ 3 को संडे था और 2 को भी जो है छुट्टी थी, तो उस हिसाब से बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो हम लोग उस होटल में रुके एंड उसके बाद हम लोग शिमला के लिए निकल पड़े, हम लोग नहा धो करके। और शिमला से जस्ट पहले ये एक छोटा सा जैसे शॉप जो होती है ना साइड रोड साइड होती है, वैसी ही ये शॉप थी और ये उस शॉप के पीछे था बैठने वाला एरिया। तो बहुत ही सुंदर ये एरिया था, यहाँ से व्यू बहुत अच्छा आ रहा था, साथ में विटामिन डी भी मिल रही थी। तो मेरे यहाँ पे सजेशन ये है कि आप कुछ ऐसी जगह जाते हैं ना तो कुछ ऐसे छोटे छोटे उनको ट्राई कीजिए। इनका खाना तो बहुत अमेजिंग होता ही है, साथ में इनका जो व्यू होता है और जो नेचर को जो आप देखते हो महसूस करते हो ना, वो आपको शायद 5-स्टार होटल में भी नहीं मिलेगा। तो कुछ इस तरह की चीज़ों को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही अच्छे से आपको जो है वेलकम करते हैं, आपको बैठने के लिए मिलता है, नेचर को देखने के लिए मिलता है। तो हम तो यहाँ पर सुबह सुबह विटामिन डी लेते हुए अपने ब्रेकफास्ट को एंजॉय कर रहे थे और ये है हमारी परी मैडम जो कि नाराज़ हो गई है कि नीरव से प्यार क्यों किया। और आज था नीरव का बर्थडे, यानी 3 अक्टूबर हो चुका था। तो यहाँ पे मेरा सजेशन एक ये है कि जब भी आप निकले तो प्लान करके निकले, होटल बुक करवा के जरूर निकले, खासकर कुछ ऐसे हॉलीडेज हो तब। तो जैसे मैंने बताया हमारा तो मोरनी का प्लान था, बस बोर्ड देख के शिमला का, साइन बोर्ड देख के बस मन किया कि शिमला। एक बार मैंने बोला था कि शिमला चलते छोड़ो मोरनी को और सब रेडी हो गए, किसी ने भी एक बार ना नहीं बोला। तो ये था हमारा शिमला पहुँचने से पहले 1st स्टॉपेज, यानी 3 अक्टूबर को हमने यहाँ से घूमना स्टार्ट कर दिया था। तो ये बहुत ही अच्छा एक छोटा सा रेस्टोरेंट टाइप में था और जहाँ का खाना तो अमेजिंग था ही, ये भी बहुत अमेजिंग था। इसको कोल्ड हो रखा है, सुनगा ही नहीं, तोड़ ही रही है ये, नहीं आ रही उसको। नो जी, और यहाँ पे परी की जिद चल रही है कि उसको फूल तोड़ना है, बट उसको फिर हमने समझाया कि फूल तोड़ते नहीं हैं, ऐसे ही उसकी खुशबू लेते हैं और वो मान गई। तो बच्ची है, थोड़ा सा जिद करती है बट हाँ समझाने पर मान भी जाती है। तो यहाँ सब लोगों का जो है फ़ोटो सेशन चल रहा था, खाने का वेट हो रहा था और फ़ोटो सेशन चल रहा था। तो बच्चों ने यहाँ पे सैंडविच लिए थे, मैंने लिया था एक पराठा और विनोद ने भी सैंडविच ही लिया था। तो जो भी खाना हम लोगों ने ऑर्डर किया था बहुत ही अच्छा था, सैंडविच भी बहुत अच्छा था और एग पराठा ठीक था। मतलब शायद इन लोगों को बनाना नहीं आता था, पहले इन्होंने मना किया था, फिर इन्होंने बोला कि हो जाएगा, तो बट हाँ जैसे भी इन्होंने करके दिया काफ़ी अच्छा जो है वो लगा, अचार के साथ और चाय के साथ विद विटामिन डी और इस ब्यूटीफुल नज़ारे के साथ में जो है हमने शिमला के टूर की शुरुआत की है। तो कुछ ऐसी ही चीज़ों को एक्सप्लोर कीजिएगा, छोटी छोटी चीज़ें होती है तो उनको एक्सप्लोर करें, नेचर को एंजॉय करें। तो इस बार हमने शिमला को बहुत ही डिफरेंट वे से देखा, बहुत छोटी छोटी ऐसी चीज़ें थी जो हमने पहले भी देखी हुई थी लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो हमने नई देखी, तो वही मैं आप लोगों के साथ आज के जो व्लॉग है उसमें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो पहले अपने खाने को एंजॉय कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। सुबह का नाश्ता करके हम चल पड़े हैं अपने नेक्स्ट मंजिल की ओर। तो सारे ही जो पॉइंट्स हैं कसौली और शिमला के बीच में हैं उनको हम कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं कौन सा पॉइंट है। ये जो ब्यूटीफुल सा पॉइंट है ये जस्ट शिमला स्टार्ट होने से पहले ही है, माता तारा देवी मंदिर। तो तारा देवी मंदिर एक ऊपर जाकर के भी है काफ़ी बड़ा, बट एक छोटा सा मंदिर बिल्कुल रास्ते में शिमला जाते हुए आपके लेफ्ट हैंड साइड में ही होगा। और यहाँ से आप जो नेचर का जो नेचर को एक इंजॉय करने का, एक आनंद लेने का है ना, वो आप यहाँ पे ले सकते हो। माता रानी के दर्शन करो और फिर थोड़ी सी देर इस नेचर के पास बैठो। जो खुशबू है पहाड़ों की, इस हरियाली की, वो थोड़ा सा यहाँ पे जा कर के आप इंजॉय करें, भीड़ भाड़ से अलग
एक शांति वाली जो जगह है ना वो है। आप यहाँ पे आराम से आधा घंटा पौना घंटा स्पेंड कर सकते हैं, फैमिली के साथ है, अकेले हैं तो थोड़ी सी देर बैठ के जो है बिल्कुल आप देख सकते हैं कितना अच्छा नज़ारा है। तो इसको ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा। खसोली से जाते हुए लेफ्ट हैंड साइड में शिमला से जस्ट पहले पड़ेगा आपको बहुत ही सुंदर सा ये मंदिर। उसके बाद एक और सेकेंड पॉइंट पे हम गए थे, इस पर भी आई थिंक 30-40% लोग जाते ही है। ये है हनुमान जी मंदिर जो कि जस्ट शिमला के एंटर करते ही है। जैसे आप शिमला में एंटर करते हो तो आपके राइट हैंड साइड में ये मंदिर पड़ेगा। तो आप देख करके पार्किंग लगा सकते हो और आजकल तो यहाँ पर जो है गाड़ियाँ भी जाने लग गई है। बट जैसे हमने अपनी गाड़ी को बाहर लगा दिया था मेन रोड के ऊपर, उसके बाद हम पैदल सीढ़ियाँ उतर के गए थे, या फिर आप जो है गाड़ी भी मंदिर के द्वार तक जाती है, तो ये श्री पोडेश्वर गणपति जी महाराज का मंदिर है। तो यहाँ पे 16 जो भगवान गणेश जी के जो रूप है उनकी मूर्तियाँ यहाँ पे लगी हुई है। तो आप यहाँ पे अच्छे से दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पे जिस कलाकारी के साथ ये काम किया गया है उसको आप देख सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी जगह है ये भी, आपके भक्ति के साथ साथ आपके एक अच्छा इन्जॉय करने का, टाइम स्पेंड करने का, शांति के साथ एक बहुत ही अच्छी जगह है। तो ये गणेश जी महाराज की 16 जो रूप थे उनका यहाँ पर स्थापित किया गया है, दिखाया गया है। तो गणेश प्रवेश द्वार है ये, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, और बहुत ही पुराना मंदिर है ये। तो आप यहाँ पर आकर के बच्चों के साथ जो है गणेश जी के दर्शन कर सकते हैं। बाबा नीम करोली, जिन्होंने जिनको जो है भगवान हनुमान जी के दर्शन हुए थे और उन्होंने मंदिर की स्थापना की थी। इनका बहुत बड़ा एक मंदिर भी है हनुमान जी का, जो कि नैनीताल में है। बाबा नीम करोली ने वहाँ पर समाधि ली थी, तो वो आप देख सकते हैं। तो उम्मीद करते हो कि अब तक की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, माता रानी के, फिर गणेश जी के, और अब हनुमान जी के दर्शन करवा दिए। तो चलिए कुछ और चीज़ें भी आपको दिखा देते हैं जो कि अनछुई रह जाती है। बहुत सारे लोग जाते हैं बट बहुत सारे लोग यहाँ पर नहीं जाते हैं। तो यस, ये है वो बिल्डिंग जहाँ पे हुआ था जो है शिमला समझौता हुआ था। तो ये बिल्डिंग अंग्रेज़ों की है। जब अंग्रेज़ों ने हमारे देश पर कब्जा किया हुआ था तो उस टाइम पर उन्होंने शिमला को अपने गर्मियों की राजधानी बनाया हुआ था, एंड वो लोग गर्मियों में यहाँ आकर के रहते थे। नो डाउट बिल्डिंग बहुत ही खूबसूरत है, बहुत अच्छी है, आर्किटेक्ट बहुत अच्छा किया हुआ है। आप अगर शिमला जाते हैं और अब तक यहाँ पर नहीं गए हैं तो प्लीज़ एक बार इस बिल्डिंग को ज़रूर विज़िट करें। यहाँ पर अब हमारे देश का झंडा है, अंग्रेज़ों की बनाई हुई बिल्डिंग है। बट हाँ, आर्किटेक्ट को अगर आप इंजॉय करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, और इस तरह से इसको किस तरह से मेंटेन किया हुआ है ना, बहुत ही अच्छा सुंदर सा इसके सामने पार्क है, ये ग्रीन एरिया है। इसके साइड में अगर आप जाओगे तो बहुत बड़ा वहाँ पे आपको पार्क मिलेगा। मेरे कैमरे की जो मेरे फ़ोन की बैटरी है वो डेड हो गई थी, जैसे मैंने बताया पूरी रात हम लोगों ने ट्रैवल किया था गाड़ी में ही, ऑलमोस्ट गाड़ी में सोए थे, सिर्फ 2-3 घंटे रूम में सोए थे। और उस टाइम में बिल्कुल हालत नहीं थी कि मैं कैमरे को या मतलब फ़ोन को चार्जिंग पे लगाती। तो आज के लिए बस इतना ही मैं शूट कर पाई और मेरी जो है कैमरा डेड हो गया था। तो ये लास्ट आज का विजिट था हमारा, और ये बिल्डिंग बहुत ही सुंदर है। तो आप शिमला में अगर जा रहे हैं तो माल रोड तो आप घूमते ही हो या जाखू टेम्पल तो घूमते ही हो, बट कुछ एक ये ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने आपको दिखाई है कि इन जगह पर बहुत ही कम लोग जाते हैं, लेकिन ये सुकून भरी जो जगह है वो है और बिल्कुल डिफरेंट है। तो यहाँ पर आप आर्किटेक्ट को इन्जॉय कर सकते हो,
हनुमान जी के दर्शन कर सकते हो, गणेश जी के 16 रूपों के आप दर्शन कर सकते हो। वहाँ पे भी जिस तरह से आर्किटेक्ट जो कंस्ट्रक्शन किया हुआ है, मतलब जिस तरह से मूर्तियाँ बनाई हुई ना, उन चीज़ों को आप इंजॉय कर सकते हो। साथ में वहाँ पे जो शांति, जो सुकून मिलता है उस ग्रीनरी में, उसको इंजॉय कर सकते हो। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बाय। Within, here we go, but somehow I'm caught in the middle. Is this the end before we've even begun? Should I work against the flow, a drop in the ocean so endless, reaching for our moments miles above?